सब लोग हिल गए कि ये क्या हो रहा है। एक दो साल उसके बाद में काफी बहुत ही अलग डिफरेंटली उनके गए, काफी प्रॉब्लम्स से साथ में उनको जीना पड़ा बिकॉज ही वॉज नॉट देयर। बट उसके बाद में खयाम साहब ने उनके जो दूसरी डेथ एनिवर्सरी था तभी मुझे बुला के ये कहा कि किरण क्यों ना हम लोग एक ट्रस्ट फॉर्म करें, क्योंकि देखो बेटा अभी मेरा लड़का भी नहीं रहा और हम लोग का एज भी 85 के करीब आ गया है सर, तो किसी का भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्यों ना एक ऐसे ट्रस्ट फॉर्म करें जिससे मैंने आज तक का जो लाइफ में मैंने प्रदीप जी ने और जगजीत जी ने जो आज तक लाइफ में जो भी अर्निंग्स की है, क्यों ना हम लोग उसी मदरलैंड को, इंडिया को, हमारे सीनियर एम्प्लॉइज को क्यों ना लौटा दें। ये बहुत बड़ा थॉट है, ये बहुत उसके लिए हिम्मत लगती है। आज कोई भी बोलता है क्यों मुझे करना चाहिए, नहीं। और उसके लिए ये जगजीत जी के यहां से सुझाव आया, जो खयाम साहब जगजीत जी ने बात करके उस पे हम लोग ने फिर दो साल से हम लोग ये काम पे जुट गए। और स्लोली स्लोली पहले किन को लेना है, किन को एडवाइजरी कमिटी में रखना है, उसके ट्रस्टीज हम लोग ने फॉर्म करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में उनका जो ट्रस्ट है, जो एक अकाउंट ओपन करना है, वो अकाउंट ओपन करना शुरू किया। स्लोली स्लोली प्रोसीजर आते बढ़ती गई और लास्ट कुछ दिनों के अंदर अभी ये ट्रस्ट जो खयाम के पीछे चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट फॉर्म हुआ। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं हर एक पल का शायर हूँ। ये पल दो पल आजीवन फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान गर्व करेगी। आज जो नेक काम खयाम साहब ने किया है, हम सब प्रेरित होके कुछ न कुछ करके दिखाएं, तो ही सब असल में इनको ड्यू रिस्पेक्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।